जेड़े बंदे हैरान हो बैठे हो एक सलवात पढ़ो सारे मैं आंदा जी टाइम देविए। अच्छा चलो चार शबान है खुश जहान है नहीं मंदा इंसान है मुल्ला जो बेईमान है। सरकारे अबल फजल लबास दुनिया ते आए तहीर आला वेड़ा बड़ा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह आली हसैन इतना मुस्कुराए जितना शरीयत च मुस्कुराना चाहिए है। आली हसैन तुर पे चलो पीर नकी शाह हुक्म कीता है जनाब अब्बास दुनिया ते आए आली हसैन तुर पे आके जनाब अब्बास नु हत्था ते चाया मेरी सैन पेशानी चूमी पेशानी चूम के नकी शाह जी तुसा हुक्म कीता है ते ए वक्त नहीं वतनी बंदे दे पढ़न दा मैं फकत हाजरी लवानी है तुसा हुक्म कीता मिंबर शबीर है झूठ बोला बादशाहां दा जाकिर ना होवां इन सत्रह ते मैं जिथे जशन च पढ़ियन और याद रखे ए भाई वकार ए पीर शबीउल हसनैन असी पूरा शबान इकट्ठे हेठ उत्ते पढ़ दे वते हैं तुसी हैरान हो के बैठे रहो तो अपनी वक्री बात है इन्होंने चार सत्रह से मैं वतन ले आऊं मुल्क के जेडे मिंबर से चार सत्रह पढ़िया मेरे हिस्से का जशन मुकम्मल हो सर चवे तो सत्रह का लुत्फ लवाए जशन च बंदा नहीं अकीदा बुलेंद है जनाब अब्बास ने आली हसैन हत्थ ते चाया पेशानी ते बोसा दे के अली दी जियाद पेन गाजी बड़ी ही मुद्दत के बाद खुद को खुशी में मलबूस पा रही हूँ फजल हाथ खोल के सिर न हला जुबान हला जिंदगी दराज होवे मालिक रंग लावे आबाद शाद रहो आलिया दे पे बड़ी ही मुद्दत के बाद खुद को ए पीर नकीशा जी ईद आले दे बाला नाल भी घट बोलदा है आलिया सैन अगली सत्तर ते कमाल हो जानी है ए जे नलैन थोड़ा जा मेरा पुत्र अगे आ जाओ थोड़ा जा अगे आ जाओ हैदर तुम ही अगे आ जाओ हुण मैं एक एक नाल मैं सारे आ जाओ थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ मेहमान जाकर बाद च पढ़ना है ए अली मर्दान मेरा पुत्र अल्लाह तरीके ले खैर करी थोड़ा अगे आ जा हैदर तुम ही आ जा थोड़ा जा माहौल बेहतरीन बनाइए ते बेहतरीन पढ़ने वाले मौला दी इज्जत कसम है हाजिर वक्त दे बेहतरीन कसीदा खान जाकर मेरे बाद तशरीफ फरमाए आली हसैन जनाब अब्बास नु हत्था ते चाया पेशानी चुमी दूसरी सत्तर बड़ी कमाल है मैं समझा ली दुआ तुसा मैंने ढेर दे देनी है आली हसैन जनाब अब्बास दी पेशानी चुम के दे पेन गाजी बड़ी ही मुद्दत के बाद खुद को खुशी में मलबूस पा रही हूँ बड़ी ही मुद्दत के बाद खुद को खुशी में मलबूस पा रही हूँ आलिया दे पेन अली की गोदी में पल के फिर भी अली को चलना सिखा रहे थोड़ा जा बेदार होना है मालिक इस तरह इजाफा फरमावे आबाद रहो भाई जिंदगी दराज हो हमदा थोड़ा जा जग रहे जगह है मालिक रंग लावे आलिया दे पेन बड़ी ही मुद्दत के बाद खुद को खुशी में मलबूस पा रही हूँ अली की गोदी में पल के फिर भी अली को चलना सिखा रही हूँ बीबिया दे पेन गाजी है जितने मनसब भी पास मेरे मैं उनसे तुझको पढ़ा रही हूँ हुसैन माँ से बना मोहम्मद तुझे अली में बना रही सुभान अल्लाह मालिक रंग लावे आबाद शाद रहो लाओ जी पहली सत्तर ही बड़ा कमाल तुसा सुने कसीदे बड़ा कमाल जशन होया और पीर नकी शाह जी मेरे ख्याल मुताबिक पिछले साल जितने जशन असी करेंदे रहे ना उस नालों ये जशन बड़ा सोहना मनाया पिछले सारे साल नालों ये जशन बड़ा सोहना तुसा अदाला मनाया मालिक ऐसी तन करोड़ा खुशियां नसीब फरमावे आले मोहम्मद इस पूरी अंजमन नू साजिद नू मेरा मालिक इस पूरी मातमी संगत नू मालिक तज़हूर इमाम ज़माना अरशां दे रंग लावे
مالک رزق حلال وچ اضافہ فرماوے ساغر پورا مالک حیاتی علی اج رات صدقہ ماتمی پتر عطا فرماوے اور جتنی جھولیاں سکھلیاں مالک تمام نو ماتمی بچڑے عطا فرماوے مالک رنگ لاوے زوار زندگی دراز ہووے ویکھو اے سارے ہن میرے خیال انجمن دے سارے نوجوان ماتمی بیٹھے ہاں تے نعرہ زوار آ کے لوایا اے ایندا سر وی چٹا اے تے داڑھی وی چٹی اے نعرہ لواون دی وجہ کیا ہے راتی 1:30 بجے اس پوری طاقت نال نعرہ لوایا اے نعرہ لواون دی وجہ کیا ہے او کر کے مہربانی دے چھڑیندا اے زوار اپنی نشانی دے چھڑیندا اے علی دا نعرہ او جاتو اے جڑا پجڑا اے تو جوانی دے چھڑیندا اے زندگی دراز ہوئے مالک ابال اشاد رکھے لو جی میں اگے پتر خیر جا قصیدہ پڑھن دے مہمان منبر دے بھی میں اگے باوے اتر با سرن دسدا پیا بھائی میں جڑی 70 تلاوت کروں ہاں منبر شبیر ہے زوار میں دا قصیدے پڑھساں اگر میری اس قصیدے دی فرد ثانی پچا گئے تو میں اکھائیں سلام چکر سا جے فرد ثانی نے سونی سونی تو میں دا قصیدے پڑھساں اور وہ قصیدہ پڑھواں لائیو جشن ہے جھوٹ بولنا بادشاہ نال ذکر نہ پر دولت بخاری دی نگری ہے بادشاہ نو کلندر کبریا نو حاضر ناظر جان کے ادا پیاں اے 70 بابا جی فرد ثانی میں کم از کم 35 to 40 منٹ پڑھی ہے شور کوٹ 35 to 40 منٹ اے 70 پڑھ کے میں جشن چھوڑ دیتا اسے 70 دے اسے 70 دے او ماحول وینے ہیں بھئی ہو سکتا ہے اکے واری سنن تو میں اگلا قصیدہ چ پڑھا ہے کیا کہوں کیا کیا کہوں حسین کیا ہے یہ چلے تو مرتضی ہے یہ چلے مرتضی ہے سوئے تو مصطفیٰ ہے جاگے سبحان اللہ چلو اے میں پڑھواں علی او آیا مالک رنگ لاوے آباد و شاد رہو تسا جیو تاڈے بچڑے جی میں اے اگلی 70 سیرا حضرت عباس دا بس اس 70 تے ہی میں سلام کراں دعا لینی ہے الحمدللہ تہاڈے کولو دعا مل گئی اے اتھے دے کسے سردار دے پتر دی بھرا دی بھتیجے دی شادی ہووے اون دی کوشش ہونی ہے بھی میں پتر بھرا بھتیجے دا سیرا لاہور ہوں اسلام آباد ہوں
किसे वड़े शहर मंगवावा, क्यों जदा मेरा पुत्र विरा भतीजा सेरा पा के बाहर आवे तो एक बारी पूरे इलाके च हूक पै बंजे। एडा सोना सेरा बनवाएंदे मंगवाएंदे वतन आ लिया जनाब अब्बास दी जो शादी थी अलमाले दा सेरा हुसैन किथों मंगवाया। सतर पढ़िए जनाब। ला जी हुण जैसे ताले मिजाज है सुनन दा वैसे सतर में पढ़ूंगा। मैंने यकीन है कि ये सतर तुसा इंजे ही सुननी है जिवें तुसा सुनी है। हुण मैं अपने इलाके दा अपने जो कल्चर है जो सुन दे ओ सतर पढ़ूंगा। आओ मैं दसा जनाबे हुसैन ने जनाबे अब्बास दा सिरा किसों मंगवाया है। सोहणी ते उच्ची सलवात तिलावत फरमाओ। सलवात तुसा इंजे ही पढ़िए जिवें वतन वाले जाकर दे बारे पढ़ींदी। मालिक रंग लावे अबाद चादरा ए लादा पहले जेड़े जेड़े मेरे बिरा दियां वाछा पाटण नु पईयां हुंदियां ना ओ भी मेरे सामने हैं ते जेड़े हुण मुट्ठी मीटी बैठे त्रकड़े हो के बवो कोई बात नहीं। बाबा जी दुआ होनी है मेरिट दी। यार कुछ जी जी चलो मगर भी आप ते अगे भी आप पासे नाल भी आप सजे खब्बे भी आप मालिक रंग लावे आबाद शादरा। अच्छा सेरा सारे नु पता लगे जो हुसैन ने बिराद सेरा अरशा तू मंगवाया है। आओ फिर अगला मरला ये होंदा है जदों सैयद सरदार बड़ा बंदा अपने बिरा भतीजे दा सेरा मंगवावे वा तो सुनारे को लै वेंदा है आदम मैंने इंदा सेरा सजा दे सोने ते चांदी दियां लड़ियां ला दे वतन आ लिया इत्थे दुआवे तो सतर दा हक दा होवे अलमदार करबला दा सेरा नवाब करबला किवें किवें सजाया हां बे कुल जदे फुल्ला दिया इंसाफ करी इंसाफ करी वतन आ लिया सुभान अल्लाह मालिक रंग लावे आबाद शाद रहो तू साथियों सारे बच्चे जीवन हां बे कुल दे मालिक इज्जत चिदा पर रिज़्क़ चिदा पा मालिक रंग लावे बिस्मिल्लाह करा गवार कासिद बिरा मालिक रंग लावे जेड़ा बंदा जेड़ा बंदा मुर्शिद अजत है नहीं बोलिया एक दुआ मेरे बिरा काज़िम की थी आई ते एक दुआ मैं पे करदा जेड़ा बंदा अजे तक नहीं बोलिया ओनु दाहर दी पीड़ होवे। मालिक रंग लावे। अच्छा फिर अगला मरला ए होंदा है जदों दूल्हा सेरा पा लैंदा है ना फिर ओ फिरा बिरादरी दे बंदे उन वेड़े तो बाहर ले आंदे जितने बिरादरी वाले खड़े होंदे तोर पौंदे भी वेखिए दूल्हे दा सेरा कितना सोहना है यार कैसा माहौल हो सी कैसा मंजर हो सी जदा नवाब करबला ने अलमदार करबला नु सेरा पवाया फिर सेरा पवा के अगे अगे नवाब करबला पिछे पिछे अलमदार करबला जिवें तदहीर आले वेड़े छुपाए रहे सवा लख नबियां दी कतारां लगियां होईयां हैं नबी दौड़ पए एक एक नबी अगे वधे ते वेख्या दा क्या पिया है आका पियाया जिंदगी हमें मालिक इज्जत जिदा फरमावे
आबाद शादरा मालिक रंग लावे आले मोहम्मद सदका जितने हाथ बुलाने कहना मोहताज ना होवे आओ मैं दसावा नबियां क्या क्या है आदाब आया नसला जीवे भाई नसला जीवे आबाद शाद रहो मालिक रंग लावे आले मोहम्मद रिज़्क हलाल अच्छा मालिक रिज़्क हलाल चिदा फरमावे आबाद शाद रहो ए यार जेड़ा बंदा न्याज दे नहीं सकदा हैरान होके ना वेखे इत्थों के चाल आवे किशा जी भाई साकिब रजा मालिक ए वालदैन दे दर्जात बुलंद फरमावे आले मोहम्मद ए भाई दी अम्मा जान दे दर्जात बुलंद फरमावे आज दी रात दा सदका पीर दफर शाह जी शेरे जे पढ़ूंगा जो लुत्फ ना आया तो पैसे वापस ओ पैसे वापस जेड़े तुसा अज दित्ते ही कोई नहीं नकिशा प्यादे लियो जे शेर पाड़ भी पैसे ना दे में मुर्शे तक खलो के दुआ करें चा मालिक ज्यादता फरमावे आओ मैं दसावा अलमदारे कर बलादा सेरा कितने अक्तंद मालिक दर्जात बुलंद में मेरे बुजुर्ग दे एदी सोनी सतर लेकिन साई रात खलो के बोलो तुम्हारी दुआ थोड़ी है खोखर दे निखिल सतर गजरी है सतर लेकिन हाँ पे जगतियो सुभान अल्लाह सदा दलत फरवड़ा हां बे जग तैयो मैं कदे मगावाना कि तेरी सोयो का बाया बाबा मेरे सरदारा दे मालिक बेड़े आबाद रखे मालिक अली अकबर दी जिंदगी दराज फरमावे आबाद शाद रहो लो जी मैंने दुआ बड़ी मिल गई है आबाद शाद रहो मालिक रंग लावे हां बे जग तैयो मालिक रंग लावे आबाद शाद रहो ए मातमिया दी एक फरमाइश है ओ भी इंशाल्लाह पूरी कर सा एक सत्तर अच्छा चलो ठीक है मालिक रिज़्क़ हलाल चिदा फरमावे ए ए पिछले अज़ादार भी जश्न मनावे ना आयो सुभान अल्लाह
पीर नकी शाह जी, क्योंकि तुम दाखिल हो मिंबर से आते हो, तुम्हें पता है भी जरा रात डेढ़ बजे खर्च होना चाहिए, मैं उस भी काम वधा के शुरू किया ताकि सामना बन जाए, क्योंकि किबला तशरीफ फरमाएं मेहमान जा करें सुजाग मजमा देवा सोना करके जश्न मनावी, मैं आप भी जश्न मना के जाना है, एंड ते दुआ मंगा के जाना है, सर चाणा तो सत्तर दलत लेना जनाबे पास आए तो होया क्या है, मोमिन मवलिया द पीरा गया चार आगे सामने।